Hi, I'm Dr. Gaurav Kakkar, pediatric ophthalmologist and squint specialist at the I-7 group of hospitals at Lajpat Nagar. Aaj hum tirchhapan ya bhengapan ke baare mein aapko thoda sa batayenge. Tirchhapan ya bhengapan tab hota hai jab aankhon ka alignment seedha nahi hai. Aankh either bahar ki taraf hoti hai ya most commonly aankh andar ki taraf hoti hai. Ye tirchhapan paidaishi ho sakta hai या आगे जाके बड़े होके भी हो सकता है. तो इसका मोस्ट कॉमन रीज़न जो तिरछापन या भेंगापन का है, मसल की वीकनेस की वजह से हो सकता है, नर्व की वीकनेस की वजह से हो सकता है, या चश्मे के नंबर की वजह से भी हो सकता है. तो इसका जो इलाज जो हम करते हैं, पहले चश्मे से ही ट्राई करते हैं कि अगर इसका इलाज कर सकते हैं. एक्सरसाइज के द्वारा कोशिश करते हैं कि आईज इसका तिरछापन ठीक हो जाए, और फिर अगर वो उससे नहीं होता है तो फिर लास्ट में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है. ऑपरेशन जो हम करते हैं तिरछापन में, आँखों के मसल्स के ऊपर करते हैं. ये आँखों के मसल्स जो है आँखों के बाहर रहते हैं. अगर आँख अंदर की तरफ है तो हम ये अंदर वाले मसल्स को लूज करके और बाहर वाले मसल्स को टाइट करके आँख को अंदर से बाहर ले आते हैं. अगर आँख बाहर की तरफ है तो आँखों के बाहर वाले मसल्स को लूज करके और अंदर वाले मसल्स को टाइट करके आँख को अंदर से बाहर लाते हैं, और तिरछापन उससे फिर ऑपरेशन के द्वारा ठीक हो जाती है. अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये सर्जरी की कैसे जाती है. एनिमल 7HKL. मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता है. मैं पटना बिहार से आया हुआ हूँ. मेरे बचपन से ही भोगेपन की समस्या है. इनकी आँख जो है अंदर की तरफ है, दोनों आँख थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ है. जब आप इसको कवर करेंगे कि अंदर से बाहर जाती है, जब इसको कवर करते तो अंदर से बाहर, से दोनों आँख अंदर है. ये जो है इनको बचपन से है ये तिरछापन. तो इसका जो तिरछापन जो है, हम ऑपरेशन करके इसकी आँख अंदर से बाहर की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, और दोनों आँख फिर उसके बाद अगर सब ठीक है तो दोनों आँख उसके बाद सीधी हो जाएगी इनकी. जैसे आपने देखा कि दोनों आँख अंदर की तरफ थी, तो जो अंदर के मसल्स थे हमने एक एक करके उनको थोड़ा पीछे कर दिया ताकि आँख सीधी हो जाए. राइट में देखो, राइट में देखो, शाबाश, गुड. इधर देखना थोड़ा सा दर्द होगा, इधर देखो थोड़ा सा दर्द होगा. चुभ रहा है, चुभ रहा है ना, ठीक है. पहले से तो काफी अच्छा है, आँख बाहर की तरफ आ रही है. 6 हफ्ते लगेंगे और ठीक होने में, ठीक है. ये जो आँख लाल है 2 हफ्ते तक रहेगी. चुभन जो है 1-2 दिन और रह के फिर वो चुभन धीरे धीरे कम हो जाएगा. दवाई जैसे समझाया था आपको, दोनों दवाई 4 बार डालना है, 3-3 घंटे के अंतराल, 3-3 घंटे में जा डालना है. ओके, एक दवाई जो है उसको कम करना है. पहले हफ्ते 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार. दूसरी दवाई जो 4 बार कंटिन्यूसली चलेगी, ठीक है. सर, 1 हफ्ते तक सिर नहीं धोना है. मोबाइल जो देखना है देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. थोड़ा ट्रैवल भी कर सकते हो 1-2 दिन में, ठीक है. काला चश्मा 2 दिन बाद जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं. काला चश्मा पूरा टाइम पहनना है दिन में, रात को डिब्बी लगा के सोना है. बाहर जब जाएंगे धूप में तब काला चश्मा पहनना है. धूप में थोड़ा सा ज्यादा चुभ रहा है जाने पर भी, जाने से. आँख में डायरेक्ट पानी नहीं जाना चाहिए, आपको मलना नहीं चाहिए बस. बाकी मोबाइल देखना है, टीवी देखना है,
पढ़ाई करना है, काम करना है, सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत के बाद नहीं, अभी भी देख सकते हैं, घर जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भारी सामान उठाने में दुकानदार नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, चश्मा पहन सकते हैं अभी आप, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर सकते, कॉल्स कर लो, नंबर वो कनेक्ट कर लेंगे हमको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंख बिल्कुल ठीक है अभी, हाँ। जो पहले आंख अंदर की तरफ थी, हाँ। अब बिल्कुल सीधा हो गया, तो उसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखने में तो अभी ऑलमोस्ट बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हो, पता ही लगता है, सिर्फ डॉक्टर को पता लगता है कि हाँ कुछ हुआ है, पर जनरल पब्लिक को बिल्कुल नॉर्मल लगता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये और टाइम के साथ और बेटर हो जाएगा, ये धीरे धीरे करके और बेटर, जब आप पिछली बार आए थे और अब में बहुत फर्क है, हाँ। और विद टाइम ये बेटर ही होगा, और खराब नहीं होगा, ये दोबारा भी नहीं होगा, ये एक बार हो गया, अब सिर्फ बेटर ही हो जाएगा, एंड वही ड्रॉप्स जो है, रिफ्रेश टीयर्स जो है, जो आपको अगर कोई तकलीफ होगी तो वो डाल सकते हैं, वो ग्रीन वाला ड्रॉप्स, हाँ, ग्रीन रिफ्रेश, दो तीन बार दिन में डाल सकते हो, अब फाइन तो भी कोई मतलब देखने में कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स इट, हाँ, और अब दोबारा आने की जरूरत नहीं है, कोई तकलीफ होगी तो आके दिखा दीजिए, अदरवाइज बिल्कुल फ्री हो गए आप, बिल्कुल ठीक हो गए आपका, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स ऑल गुड। सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही दोनों आंखों से देखने में? सब ठीक है, अभी आपका एक विजन टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, आपको 6x6 वाली लाइन रीड करनी है, 7354027। आपकी विजन प्रॉपर्ली ठीक है एकदम, 6x6 दोनों आंखों से आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले मेरी आंखें दोनों तरफ तिरछी भागी हुई थी, स्क्वेंट की सर्जरी के बाद पहले से बहुत ज्यादा ठीक हो गया, पहले थोड़ा सा आंखों के लिए दिक्कत प्रॉब्लम है, जो मिलती थी तो थोड़ा सा लो ग्रेड में मिलती थी, इसलिए कुछ प्रॉब्लम आते थे मेडिकल में, फिर इस सर्जरी के बाद मेडिकल फिट हो गया, फिर मेरी जॉब लग गई एक गोरखपुर में, पहले मतलब कि खुद पिक्चर वक्चर लेने थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा सा भोगापन दिखता था फोटो वोटो में भी, अब तो कोई किसी पिक्चर में ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा सा आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, पहले भी पिक्चर में आती थी, कोई जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता या किसी से बात वत करने में भी, और अंदर से मतलब बात करने में हेजिटेशन है जो खत्म हो गया, अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया बात करने में, जो विजन भी है वो भी 6x6 है, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगता है कोई आदमी सर्जरी कराया हुआ है, नॉर्मल आंखों की तरह एकदम, नहीं कोई चश्मे की भी कोई जरूरत नहीं है, बहुत खुश है।